हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस में आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, आरएनए और डीएनए यानी जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें दो, ये प्रत्येक जीवित कोशिका में जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है यानी न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें दो प्रकार के जो है न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए जो है प्रत्येक सेल की कोशिका की जो है केंद्रक में होता है और आरएनए जो है कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहता है। ठीक है, सर्वप्रथम जो है फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में इसकी खोज की थी। किसकी? न्यूक्लिन, एक पर महत्वपूर्ण पदार्थ को खोजा था पस सेल्स में, जिनको इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। किसने दिया था नाम? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में कोशिकाओं की, पस सेल जो कोशिकाएं हैं पस सेल में, इन्होंने न्यूक्लिन नाम का जो है पदार्थ खोजा था और उसको महत्वपूर्ण पदार्थ जो है इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया। और उसके बाद जो अल्टमैन है, अल्टमैन ने 1895 में न्यूक्लिन जो है उसको उसकी एसिडिक नेचर के कारण, उसकी अम्लीय प्रकृति के कारण जो है उसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड जो है नाम दिया किसने? अल्टमैन ने। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। डीएनए क्योंकि इसमें जो है डी ऑक्सी जो है शुगर पाई जाती है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पादप वायरस के अलावा, पादप वायरस के अलावा सभी सजीव कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में उपस्थित रहता है और प्रोटीन के साथ मिलके ये क्रोमेटीन जालक बनाता है। क्रोमेटीन जालक का निर्माण करता है किसके साथ? प्रोटीन के साथ मिलके। और केंद्रक के बाहर जो न्यूक्लियस है उसके बाहर भी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ये हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था। और वहाँ जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और उसके अलावा एंजाइम्स जो फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है न्यूक्लियस के अलावा। इसकी आकार और जो आकृति है वो देख लेते हैं हम। डीएनए जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसका आणविक भार जो है 10^4 से लेके 10^7 जो है डाल्टन तक हो सकता है इसका आणविक भार। और ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला डीएनए जो होता है किसमें? वो वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार डीएनए किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, इनमें जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है यानी सर्कुलर होता है। और यूकैरियोट्स में जो है ये सर्पिलाकार होता है यानी इस तरह से जो है पाया जाता है और लंबे या सर्पिलाकार रूप में जो है इस तरह से पाया जाता है। तो ये डीएनए का अब हम रासायनिक संगठन देखेंगे यानी केमिकल कंपोजिशन। डीएनए जो है किससे मिलके बना है? ये रासायनिक संगठन डीएनए तीन प्रकार के यौगिकों से बना रहता है। एक तो है शुगर यानी शर्करा, और इसमें जो है पेंटोज शुगर होती है यानी डी ऑक्सीराइबो शुगर होती है,
जो कि डी ऑक्सी राइबो शुगर इसमें पाई जाती है, इसलिए डीएनए को हम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। शुगर पाई जाती है। इसके अलावा, शुगर के अलावा इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, यानी फॉस्फोरिक अम्ल होता है, फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है H3PO4। और इसके अलावा इसमें नाइट्रोजनस बेस भी पाया जाता है, जनस क्षार। और ये जो है नाइट्रोजनस क्षार जो है, या नाइट्रोजनस बेस जो है, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्यूरिन्स, प्यूरिन्स भी जो है फर्दर दो तरह के होते हैं, और ये दो वाले वाले नाइट्रोजन यौगिक हैं, और ये पूरे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन। तो ये दो प्यूरिन्स हो गए, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन्स न न आ रहे हैं, याद करने में जो है दिक्कत ना हो। तो एडेनिन्स और एडेनिन जो है, एडेनिन और ग्वानिन जो है, वो दोनों प्यूरिन्स हैं। और इसके अलावा एक और होता है पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स जो है वो भी दो तरह के होते हैं। ये एक वलय वाले यौगिक होते हैं, जबकि प्यूरिन्स जो है दो वलय वाले नाइट्रोजन बेस हैं, और पिरिमिडिन जो है एक वलय वाले यौगिक हैं। और इसमें होता है साइटोसिन और थाइमिन। प्लस थाइमिन। डीएनए अणु में जो है प्यूरिन और पिरिमिडिन का अनुपात जो है हमेशा सेम रहता है। जितनी मात्रा एडेनिन की होती है उतनी ही मात्रा थाइमिन की होगी, और ग्वानिन की होगी, और साइटोसिन, और ग्वानिन की मात्रा जो है साइटोसिन के बराबर होती है। तो एडेनिन की जो है वो थायमिन के बराबर मात्रा रहती है, और जो ग्वानिन है उसकी साइटोसिन के बराबर जो है मात्रा रहती है। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबो जो शुगर है उसका एक अणु जो है नाइट्रोजनस बेस के एक अणु से जुड़कर, यानी जो शुगर है उसका एक अणु मिलके नाइट्रोजनस बेस जो है उसके एक अणु से मिलके और क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड किससे बना है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये मिलके और न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। जिसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा रहता है, ये है शुगर, वन टू थ्री, और यहाँ जो है इसमें बेस लगेगा, यानी क्षार। ये जो है न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में जो है शर्करा, न्यूक्लियोसाइड की जो शुगर होती है शर्करा के पांचवें कार्बन पर जो है फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, यानी जो फिफ्थ कार्बन है उस पे क्या जुड़ जाता है? फॉस्फोरिक एसिड।
एसिड आके उसमें जुड़ जाता है, उसका एक अणु जुड़कर जो है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है, उसमें सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस रहता है, और जब फॉस्फोरिक एसिड आके जुड़ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। शुगर, और यहाँ जो है फर्स्ट पे इसके ये क्षार जुड़ा हुआ है, और ये जो पांचवा कार्बन है यहाँ पे आके फॉस्फेट जुड़ जाएगा। यानी जो फॉस्फोरिक एसिड है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से इसका केमिकल कंपोजिशन जो है हमने देखा डीएनए का, कि डीएनए जो है शर्करा, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस सार क्षार से जो है मिलके बना होता है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो तरह के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडिन। प्यूरीन जो है आगे दो तरह के होते हैं, जो दो वाले से बने नाइट्रोजनस बेस होते हैं उन्हें हम प्यूरीन कहते हैं, इसमें एडिनिन और ग्वानिन है। और पिरिमिडिन जो है एक वलय वाले यौगिक हैं, और इनमें जो है साइटोसिन और थाइमिन होता है। पिरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन है, और जबकि प्यूरीन में जो है एडिनिन और ग्वानिन है। डीएनए अणु में जो है प्यूरीन और पिरिमिडीन का अनुपात हमेशा सेम रहेगा, यानी एडेनिन और थाइमिन सेम अमाउंट में रहेंगे और ग्वानिन और साइटोसिन जो है उनकी मात्रा बराबर रहेगी। न्यूक्लियोसाइड जो है ये डीऑक्सीराइबो शुगर से का एक अणु जब नाइट्रोजनस बेस के एक अणु से जुड़कर जो प्रोडक्ट बनाता है हम उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और ये बेस जो है चार प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इसलिए चार प्रकार के क्या होंगे, न्यूक्लियोसाइड होंगे। और न्यूक्लियोटाइड जो है, जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें पांचवा जो कार्बन है, जो शुगर जो है उसके पांचवे कार्बन पर जब फॉस्फोरिक एसिड आके जुड़ जाता है तब उसे जो है हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड के तरह जो है न्यूक्लियोसाइड भी जो है वो चार प्रकार के होते हैं। अब हम डीएनए की जो है स्ट्रक्चर देख लेंगे, यानी संरचना देखेंगे डीएनए की। डीएनए का जो है वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है वॉटसन और क्रिक का मॉडल जो है उन्होंने 1953 में दिया था, और इसमें डीएनए के अणु की संरचना का जो है कार्यकारी मॉडल प्रस्तुत किया है इन्होंने। और इसके लिए जो है इन्हें इनको जो है 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन का। 1962 में जो है वॉटसन और क्रिक और विल्किंसन को, और विल्किंस जो है उनको क्या मिला था, तीन जनों ने ये प्रपोज किया था, वॉटसन और क्रिक मॉडल इसे कहते हैं। तो इसमें वॉटसन, क्रिक और विल्किंस जिसने 1953 में ये मॉडल दिया था, और इनको 1962 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। इसमें जो है इनके अनुसार डीएनए जो है अणु जो है दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, यानी डीएनए जो है दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, और दोनों श्रृंखलाएं जो है परस्पर जो सर्पिल रूप में जो है ऐसे कॉइल्ड रहती है एक दूसरे की, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने। और दोनों श्रृंखलाओं में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार आपस में जो है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये जो है श्रृंखला है ये आपस में जो है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। ये श्रृंखलाएं आपस में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है जुड़ी रहती हैं, और इसमें जो है एडेनिन और थाइमिन का बेस बनता है। एडेनिन और थाइमिन का बेस जो पेयर बनेगा, और ग्वानिन और साइटोसिन का जो है पेयर बनेगा, इनके आपस में जो है बंध बन जाते हैं। तो इस प्रकार डीएनए में जो है दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे के चारों ओर जो है सर्पिल रूप में कुंडलित रहती हैं, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये इसका रहता है। और इसमें थाइमिन और एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, यानी एडेनिन और थाइमिन जो है उनमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, और साइटोसिन और ग्वानिन में जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये लोग आपस में जो है जुड़े रहते हैं। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच की जो दूरी है, ये इनके जो बीच की ये दूरी जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम रहती है। और किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड, ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है इनके बीच की दूरी रहती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और सर्पिल कुंडली का एक चक्कर, यानी ये जो एक चक्कर है
ये रहेगा 34 एंगस्ट्रॉम का रहेगा, और के अंत पर जो है पूरा होता है, और प्रत्येक कुंडली में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो है, इसमें जो इनकी जो श्रृंखला है वो 10 बेस पेयर रहेंगे इसमें, और एक श्रृंखला के जो सभी न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फेट अणुओं से फॉस्फोडाइस्टर बंध बनाकर जुड़े रहते हैं। ये आपस में किससे जुड़े रहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े रहेंगे ये। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जो है ये श्रृंखलाएं आपस में जो है जुड़ी रहेंगी। एक श्रृंखला में शर्करा के कार्बन जो है ये 3 डैश है, तो ये 5 डैश, एक बार तो इस तरह चलेगा, और ये 3 डैश, और ये 5 डैश, और एक बार ये इस तरह से चलेगा 3 से 5 की डायरेक्शन में, और दूसरी श्रृंखला में जो है ये, सॉरी, और दूसरी श्रृंखला में जो है ये 5 से जो है 3 की डायरेक्शन में चलेगा। ऐसे श्रृंखलाओं को जो है हम एंटी पैरेलल यानी प्रति समांतर श्रृंखलाएं कहते हैं। ये जो है स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये 3 डैश है, एक बार जो है 5 डैश की तरफ चल रहा है इस तरह, और एक बार जो है ये 5 से 3 की ओर चलेगा इस तरह से, 5 एंड से। तो डीएनए का क्या महत्व है हमारे, ये वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है ये हमने देखा अभी, कि इसमें जो एडिनिन और साइटोसिन है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और ग्वानिन और एडिनिन सॉरी एडिनिन और थायमिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, और एक बार ये 3:5 की डायरेक्शन में जाएगा, और एक बार दूसरी बार जो ये 5:3 की डायरेक्शन में जाएगा। और डीएनए का महत्व जो है, डीएनए जीव लक्षणों संबंधी सूचनाएं जो है, सूचनाएं हमारी ये एकत्रित करता है डीएनए, और डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनस बेस जो है उनके क्रम का समूह जीन को कोडित करता है, यानी कि जीन का जो कोड है वो इन नाइट्रोजनस बेस के क्रम जो है उस पे ही निर्धारित रहता है हमारा, तो जीव के विभिन्न लक्षणों के लिए उत्तरदायी रहता है डीएनए जो है, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए ये उत्तरदायी रहता है। डीएनए जो है अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, और डीएनए की पुनरावृत्ति की क्रिया यथार्थ एवं परिशुद्ध होती है। तो ये इस तरह से जो है ये डीएनए के महत्व है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो है हमारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है, जो ट्रेट्स होते हैं हमारे उनको ट्रांसफ़र करता है। अब डीएनए की रेप्लिकेशन यानी पुनरावृत्ति जो है वो हम देखेंगे। डीएनए जो है अपने जैसे ही जो है और स्ट्रक्चर जो बनाता है समान, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन या फिर पुनरावृत्ति, यानी अपने समान प्रतिरूपों के उत्पादन की क्रिया जो है उसे हम पुनरावृत्ति कहते हैं। डीएनए की द्वि कुंडली जो संरचना है उसके आधार पर वॉटसन और क्रिक ने एक विधि प्रस्तुत की थी। डीएनए पुनरावृत्ति की क्रिया जो है इंटरफेज एस अवस्था में होती है, जो सेल डिवीजन होता है तो उस पर जो एस अवस्था होती है इंटरफेज की, उसमें जो है ये डीएनए की पुनरावृत्ति होती है, और पुनरावृत्ति के समय जो है न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट जाता है। ये जो है जब इनकी पुनरावृत्ति होती है डीएनए की, तब ये जो एस फेज है इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो, क्योंकि वैसे ही वीक होता है और ये टूट जाता है इससे, और दोनों श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इस तरह से जो श्रृंखला है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। और ये पृथक हुई श्रृंखला जो है एक टेम्पलेट
ये जो है एक टेम्पलेट या सांचे की तरह काम करती है ताकि जो है नया डीएनए फॉर्म हो सके। और क्षार युग्मक की विशेषता के कारण जो पृथक हुई श्रृंखलाओं में न्यूक्लियोटाइड कोशिका द्रव्य में से अपने पूरक जो है जो कोशिका द्रव्य में जो इनके पूरक जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जैसे यहाँ सी है यहाँ जी है, तो ये सी को अट्रैक्ट करेगा और ये जी को अट्रैक्ट करेगा जो कोशिका द्रव्य में जो प्रेजेंट रहता है। और इसके बाद जो ये न्यूक्लियोटाइड है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है अपने सामने स्थित न्यूक्लियोटाइड से जो है जुड़ जाएंगे और इस तरह से ये दूसरा जो है डीएनए का जो हेलिक जो स्ट्रैंड है वो फॉर्म हो जाएगा और डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाएगा। और इनके शर्करा अणु भी जो है अपने फॉस्फेट मूलक द्वारा जुड़कर नई जो है पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का। और इस प्रकार जो है डीएनए की प्रत्येक श्रृंखला एक सांचे की तरह कार्य करके अपने पूरक श्रृंखला का निर्माण करती है, यानी जो ये अपोजिट जो रहता है इनका पिरिमिडिन और प्यूरिन का बेस जो है उसको ये साइटोप्लाज्म से अट्रैक्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है जुड़ जाएंगे और एक नई जो है स्ट्रैंड बना लेंगे और जो कंप्लीट डीएनए है वो इस तरह से फॉर्म हो जाएगा और हर एक श्रृंखला जो है इस तरह से ही बनती जाएगी। तो प्रत्येक डीएनए संतति जो है उसमें अणु में एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है मूल डीएनए के अणु से आती है। एक तो मूल डीएनए का जो था और एक जो है इसने अट्रैक्ट करके एक और बनाई थी, तो दूसरी संश्लेषण द्वारा जो है निर्मित होती है और इस विधि को हम अर्धसंरक्षी विधि कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? क्योंकि एक तो ओरिजिनल था और एक जो है इसने निर्माण की थी, तो ये है अर्धसंरक्षी विधि यानी सेमी कंजर्वेटिव मेथड है ये डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है हमेशा 5' से 3' की तरफ होता है, यानी 5' एंड से लेके 3' एंड की तरफ होगा। और ये जो है छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड पॉली न्यूक्लियोटाइड बने हैं ये जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इस तरह से बनेगा, जिनको कि हम क्या कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं या ओकाजाकी खंड कहते हैं हम इनको। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है श्रृंखला छोटे छोटे खंडों के रूप में संश्लेषित होगी और इसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहेंगे। और जो मेल्सन और स्टॉल है मेसल्सन स्टॉल केयर्न्स और J.H. टेलर, उन्होंने डीएनए की जो पुनरावृत्ति की जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है अर्धसंरक्षी विधि है उसके पक्ष में जो है प्रायोगिक प्रमाण दिए हैं कि उन्होंने मेल्सन स्टॉल केयर्न्स और J.H. टेलर ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आरएनए जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।